वेलकम बैक नाजरीन। जी अमीरा सर, आज की खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता 200 मिलियन डॉलर का मालिक बन गया। उन्हें हड्डियां कटियां कर करके इन्हें पैसे जोड़े। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਬਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਭੌਂਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨੈਬ ਕਾਸਦ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕੁੱਤੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਮੇ ਬਿਠਾਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਤਾ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਮੇ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਏ। ਉਸਕੇ ਘਰ ਮੇ 9 ਬੈਡਰੂਮਸ ਹੈ, 9 ਬਾਥਰੂਮਸ ਹੈ। ਵਾਹ! ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, उसका एक अपना बॉल रूम भी है। एदा मतलब सुबह सुबह बाथ भी लेंदा होएगा। जी हाँ, उसका नाम है गंतर। है की? कुत्ते दा नाम गंतर। बड़ा अमीर कुत्ता जो ने अपना शोरूम बना लिया। एक शोरूम का ब्राजील में मैनेजर, गाड़ियों के शोरूम का मैनेजर, एक कुत्ता है। नहीं, उन्होंने तो कहना होना कि थोड़े बहुत घट कर लो। कहना मैं घंटे का भौंकण दिया, तेनों समझ नहीं आ रही। आपने उसके नहाने की बात की। जी, जब वो सुबह उठता है तो सबसे पहले पेडिक्योर होता है, उसकी पॉज को साफ किया जाता है। मैं कहा हुण ते उहदे लई स्विमिंग पूल भी बनया होएगा। क्या बना होगा? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल नहीं, नहाउण वाला, नहाउण वाला, नहाउण वाला। सर, उसकी इतनी केयर करने के लिए लोग कौन हायर करता होगा? वो आप करता है, बकायदा इंटरव्यू करता है जेडे उन्हें मुलाजम रखना दे। मत करो, मत करो, अब मत करना। मत करो। उसके जदों ने रख लिया ना बंदा, फिर उसका चेंज है। अब मत करना। जाओ। वैसे जिन्ना सुना तुसी ये परफॉर्मेंस दी ना, तुहानू नौकरी ते रखे ही रखे। उसका पेडिक्योर करने के लिए 3 खादमाएं हैं। वारे वाह। जी, आप कह रहे थे कि वो काम क्या करता है? उसकी अपनी कंपनी है, गंतर कॉर्पोरेशन। सवेरे जिसले उठता होना बेड दे तो कैसी है लत्ता खींचता होना करके। उते सर घर आंदे हैं, छिछड़े वाला बैग सुट के कहंदा होना क्या, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक गया। और यह बता पीछे कुटदा कहंदे हम साहब कहें तो दबा दूं। वो भी अगो कह रहा था, हाँ थोड़ी दुम दबा दो बस। ये कुत्ता कहाँ का जी? ये जर्मनी का, जर्मन शेफर्ड है। इसकी जो मालिका थी वो एक जर्मन थी। अच्छा। और उसके पास बहुत ज्यादा बेतहाशा दौलत थी। उसका नाम था कार्लियोटा लेबिनस्टाइन। सर, अब वो औरत कहाँ गई? अब वो औरत दुनिया में नहीं है ना। अच्छा। वो मरने से पहले अपना सब कुछ अपने कुत्ते को दे गई। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन अरुण साहब, हैरत की बात है, उस कुत्ते को इतने पैसे खर्चने नहीं आएंगे, क्या करेगा वो पैसे? आपको ये किसने कह दिया? इसने। आपको किसने कहा? इसने। जितनी अच्छी कमाई करनी गंतर को आती है, शायद ही किसी को आती हो। सर, वो कैसे? वो ऐसे कि गंतर कॉर्पोरेशन का जितना पैसा है वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट्स करती है। वो मरने से पहले पूरा इंतजाम करके गई थी। अमेरिका के अंदर इंसान तो इनहेरिट कर सकता है लेकिन जानवर नहीं कर सकते, उसके लिए विल करना पड़ती। तो कार्लियोटा लेबिनस्टाइन मरने से पहले एक विल लिख गई अपने कुत्ते के नाम पे, जिसका नाम था गंतर। अब वो कुत्ता तो मर चुका, क्योंकि अब 30-32 साल हो गए। वो मर गया? को भी जी, जो असल कुत्ता था वो मर गया है। ये उसका कोई पोता है, कोई धोता है। वाह वाह वाह, कुत्ते का पोता। जी हाँ, ये पूरी डायनेस्टी चल रही है गंतर की। उस कुत्ते की अपनी एक फुटबॉल टीम है। हैं? एडा सेंटर फॉरवर्ड कुत्ता। अच्छा, एक कुत्ता बड़ा चलाक है। कैसे? जेड़ा इहदे नाल गोल करे उहनूं पै जांदा। अच्छा, इटालियन फुटबॉल क्लब है जिसका ये मालिक है। किसी ने आप में से ये कहा कि बिजनेस कैसे चलाता है? हाँ जी। इसकी कंपनी थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस यानी थिएटर ड्रामास, आप लोग तो करते हैं काम ड्रामास। जी जी, की कह रहे हो? थिएटर के एक्टर भी तो बोक रहे। जी, ब्रॉडवे के थिएटर्स के अंदर इसके बनाए हुए ड्रामास चलते हैं इसकी कंपनी के। जब वो खातून मरी जो इसकी मालिका थी, तो वो 100 मिलियन डॉलर्स इसको देके गई थी।
आज ये 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा बना चुका है। वाह, देखो उन्हें जाया नहीं किया बिजनेस। गंतर को चंद साल पहले घर खरीदना था, उसने सबसे पहले किसका घर देखा खरीदने के लिए, आपको पता है किसका? इसका। अच्छा जी, उसने अपने रहने के लिए सबसे पहले जो घर देखा वो सिल्वेस्टर स्टैलन, जो रैम्बो के नाम से जिनको आप जानते हैं, उनका महल देखा। वाह वाह, 37 मिलियन डॉलर्स का। सर, कुत्ते ने खुद सिलेक्ट किया घर? देखिए, उसको खुद विजिट तो कराते हैं, लेकिन वो विजिट एक अलामती विजिट होता है कि अगर वो दुम हिला रहा है, अगर वो खुश है, तो इसका मतलब है उसको पसंद है। वैसे ये फैसला उसकी कंपनी करती है। उसने रैम्बो का घर रिजेक्ट कर दिया। सर वो क्यों? उसको पसंद नहीं आया। उसकी कंपनी को पसंद नहीं आया। सर, उसने घर रिजेक्ट कैसे किया होगा? वो नहीं पसंद आया, वो कमरे तंग तंग। भाई, डीलर ने उसे ये घर दिखाया था। उन्होंने कहा ये डिस्प्यूटेड घर है, फर्दां च रौला। और सब तो बड़ी गल है कि बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, डाइनिंग भी है, छिछड़ा रूम बिच है ही कोई नहीं। फिर उन्हें वो प्लॉट लिया जिसे चो लिटदा हुंदा सीगा। नहीं, उसने वो प्लॉट नहीं लिया, उसने फिर मैडोना से घर खरीदा। किदा घर? मैडोना जो सिंगर है उनके घर में रह रहा है। अच्छा जी, मैडोना का घर है, किन्ने का लिया? 7.5 मिलियन डॉलर्स। बंदा पूछे तू कुछ सस्ता जिहा मकान ले ला, ओ साले दिया पुत्रा तू करना ते कुत्तखाना ही है उत्थे। अच्छा जी, मैडोना ते रह गया होना फिर। अब ये क्या मैडोना ते? देखो मेरी बात सुनो, उनकी तस्दीक कराने दो मुझे। मैडोना, 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 तू चुप कर जा, तेनू नहीं आया ना। बिल्कुल ठीक बोल रहा है यार वो। सर, जब ये पैदा हुए ना, इसके अब्बू ने कहा था क्या, इनू मिटाना। बल्कि दाई ने प्यो नु कहा, मैं नहीं इनू नहलाना। इहदे प्यो ने इनू वेख के कहा, बच्चा इतना जहराना। इहदे मामी नु कहा, फड़, कहिंदी खसमा नु खाना। लेकिन इन्होंने नहीं बात आना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਮਾਮ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਗੰਤਰ ਕੀ। ਜੀ ਜੀ, ਗੰਤਰ। ਗੰਤਰ ਕੋ ਸੁਬਹੋ ਸੁਬਹੋ ਜਬ ਉਸਕੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਕੀ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਮੇਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸਕੋ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਪੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਮੇਂ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਜੀ, ਸਰ ਉਸਕੋ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਤੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸਕੋ ਸਵਿਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਪਰਸਨਲ ਪੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੰਤਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੋਟਲਡ ਵਾਟਰ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਢਾਈ ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਿਆ ਗੋਗੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਕੁ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਮੇਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮੇ ਹੈ। K9 ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਿਟ ਫਿਲਮ ਥੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੌਟ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਕੀ ਫਿਲਮ ਥੀ ਸ਼ਾਇਦ। मुझे माइकल जैक्सन का बंदर याद आ गया। इधर क्यों देख रहे हो? 20 लाख डॉलर्स उसने अपने बंदर के लिए छोड़े। 15 लाख डॉलर जेड़ा ना मदारी नहीं दिता। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਕਢਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਢੀਠ ਕੁੱਤੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ, ਓੜੇ ਓੜੇ ਗਾਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਹੀਂ ਖਾਏਗਾ? ਹਾਂ। ਕੀਮਾ? ਹਾਂ। ਲੜੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਹੀਂ ਮਤ ਜਾਈਏਗਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावजूद जराय से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज। पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।